बेलपत्री के जो पीछे की जो डंडी होती है, पीछे का जो भाग होता है, शंकर भगवान पर जो समर्पित होता है, चढ़ा हुआ होता है, इस डंडी की मूलता बहुत है महाराज। आप जब भगवान शंकर को कई लोग बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई दवाई आप चालू कर रहे हैं ना, कोई औषधि आप खा रहे हैं, कोई रोग आपके हृदय में, कोई शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई गठिया है, कोई घुटने का रोग है, घुटना आपको डॉक्टर ने कह दिया बदलना है, तो हम तो कहेंगे आप प्रयास करना कि दो चार दिन तक मंदिर में जब जाएं तो बेलपत्री भगवान शिव को अलग अलग तरह से, ये डंडी का मुंह अलग अलग तरह से चढ़ाकर, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी किधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, और बाबा को चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को आप जो पीछे का भाग है उसको तो तोड़कर खाओ, साथ में बेलपत्री को भी खाना प्रारंभ करो। 15-20 दिन खाने के बाद फिर जांच कराओ कि आपको उस रिजल्ट में अंतर आया कि नहीं आया, आपकी जांचों में अंतर आया कि नहीं।